काम होना चाहिए हमारे गांव में, पर हाक लगवाने का काम शुरू किया। हम लोग जाते थे ना रिश्तेदारी में, उधर बेगूसराय जिला में पड़ता भगवानपुर, मैंने समझे कि रेलवे के पश्चिम, तो शाम का टाइम होता था तो रिश्तेदार कहते थे चलो हाट, तो हम लोग सोचते हाट क्या होता है भाई। बचपन में जब जाते थे तो बहुत आनंद भी आता था, पकौड़ा भी मिलता था, कचरी भी खाते थे, सब चीज़ वहाँ जा कर के हाट का आनंद भी लेते थे, घूमते थे भी। लेकिन बड़े दिन से हमारे मन में भी था कि हमारे गाँव में भी हाट हो। आज सफल पूरा खुश है, पूरा खुश है। भी मिलेगा किसान को, अब बीज भी मिलेगा इस बाजार में, छोटा सा बाजार ही सही, अभी तो नींव ही रखे हैं, ये फलेगा बरगद के पेड़ के तरह। और कुछ दिन बाद फिर कहिएगा रणवीर भाई, देखिए वाकई विस्तार। शपथ ग्रहण लिए 3 तारीख को, अगले क्या तारीख है, 7 तारीख है, 4 दिन के बाद एक अच्छा विकास की ओर कदम बढ़ाए, जो मेरा इरादा था वो कर दिए और इसी प्रकार हम करते रहे। पहला दिन है लेकिन भीड़ इतना है, लगता है जमा जमाया है। वो प्यार मोहब्बत है लोगों का, और लोगों इस उम्मीद से आए हैं कि नहीं हमारे गांव में बाजार लगा है, हम उनका सामान खरीदेंगे। जब तक खरीदेंगे नहीं तो उनका बिकेगा कैसे, अब बिकेगा नहीं तो फिर हमारे यहाँ व्यापार लोग आएंगे कैसे। इस चीज़ को देखते हमारे पूरे एकदम यहाँ पे 8-10 गाँव है, मैंने समझे कि ये मुख्य सेंटर है, बिंदु है, मुख्य बिंदु है। इधर जाइए गिजरी है, बैदा है, गोड़ियारी है, गिरधरपुर, शंकरपुर, सिही, पिरौना, 72 एवं प्रकार से चारों तरफ गांव ही गांव है। सभी गांव से लोग आकर अपना सामान ले रहे हैं, बस हाँ बेच सकते हैं, खरीदने के लिए लोग आते हैं। मैंने ये समझे ना कि आधा किलोमीटर भी नहीं है साथ, मैंने चार गाँव का डिस्टेंस हमारे बगल में आस पास जो है ना, बहुत भारी तादाद में मैंने सब्जी का खेती होता है, और उसको आहत पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, आहत जिसको बोलते हैं। यहाँ मैंने प्रमुख खेती, मैंने यहाँ मैंने सब्जी है, गोभी, बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब प्रमुख खेती है यहाँ के लोगों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख खेती है। तो इस मैंने वो बेचने के लिए यदि उतना जुड़ जा रहे हैं, प्लस उनको तेल खर्च होता है, पेट्रोल खर्च लगता है, और उचित नहीं मिल पाता है भाव, तो उन किसानों के लिए भी हमने सोचा कि नहीं उनका सामान क्यों नहीं यहीं खरीद लिया जाए, जो पेट्रोल का खर्च बचेगा, आने जाने का खर्च बचेगा, रास्ता में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए उस चीज़ से सावधानी होगी, मैंने कई प्रकार के सुरक्षा को देखते हुए यह कदम। वहाँ से अगर जो किसी किसान को फसल उगाने के बाद, सब्जी उगाने के बाद बाजार जाना पड़ता है और रास्ते में कहीं अप्रिय घटना हो जाए, अरे हाईवे है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। दूसरा ट्रांसपोर्ट का चार्ज बचा, ट्रांसपोर्ट का चार्ज बचा, रेट कम मिलती थी वहाँ, यहाँ उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ जनता को लाभ भी मिल रही है, एवं प्रकार से किसानों को भी सुविधा हुआ, फायदा हुआ, और यहाँ के ग्रामीणों का भी फायदा हुआ। कहते हैं जब युवा किसी क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव होता, और यही बदलाव हसनपुर के क्षेत्र संख्या 49 में जब से युवा जिला पार्षद रणवीर कुमार राय जी जिला पार्षद में जीते हैं, कुछ न कुछ नया काम, अच्छा काम यहाँ पे लगातार अनवरत जारी है। इसी क्रम में आज इस सुदूर देहात जगह पे कह सकते हैं कि जिला मुख्यालय से जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, अहिलवार जगह का नाम है, 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूर और काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह है। जिस जगह पे हम लोग खड़ा हैं यहाँ पर एक लोकल हाट का जो है सो लोकल बाज़ार का जो है सो आज शुरुआत किया गया, ग्रामीण भाषा में हम लोग इसको हटिया बोलते हैं। यहाँ के लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कोई सामान खरीदने के लिए, लेकिन इनके प्रयास से इस जगह पे आज हटिया लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हटिया की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें हाट पे मिल जाती है, और घर के बगल में आप लोगों को जैसे सारा चीज़ मिल जाएगा, महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे भी आकर के अपना मनपसंद चीज़ खरीद सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग खेत में कुछ उपजाते हैं उनके लिए समझिए कि एक बाज़ार मिल गया जहाँ पर आ करके बेच सकते हैं। कहाँ से ये चीज़ दिमाग में आया? देखिए आप तो जानते ही हैं कि हमारा इस बगरहा गांव अहिलवार पंचायत जो है बिल्कुल सुदूर इलाका है, और जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर है, औसतन जितना जिला का सर्किल नहीं होना चाहिए। हमारे ये हसनपुर है, ये अहिलवार पंचायत कैसा है, जिला का बॉर्डर है, मैंने इधर समझिए तो आपको इधर जो है मिल जाएगा आपको 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे घरपुरा, जो बेगूसराय जिला पड़ता है, आ इधर आप जाइएगा 10-15 किलोमीटर आगे तो मिलेगा खगड़िया जिला का छोर पड़ता है, ये अंतिम जगह है और ये बिल्कुल पिछड़ा जगह है। तो हमारे यहाँ इस गांव से लगभग जो है समझिए हसनपुर मार्केट 8-10 किलोमीटर पड़ता है, इधर एक गोहा चौक है वो भी 3-4 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हमारे यहाँ एक छोटा सा मार्केट नहीं था, जिसका समस्या मैंने समस्या का हम लोग मैंने निरंतर समझे कि बढ़ता जाता था समस्या। हमारे गांव से कोई भी महिला यदि मार्केटिंग के लिए गोहा चौक जाते थे या हसनपुर जाते थे तो लेट होने के बाद मैंने गार्जियनों के मन में एक भय पैदा था कि मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ रास्ते में कहीं कुछ ऐसा घटना अप्रिय हो ना जाए।
तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हम सोचे कि क्यों नहीं हमारे अपने गांव में ही एक बाज़ार लगाया जाए, ताकि हमारे माता बहनें जो है वह दूर जाने से बचे। एक तो सबसे पहले तो दूरी कम होगी, परेशानी कम होगी, और दूसरी बात यह है कि कम दरों में उचित सामान मिलेगा, मिल जाएगा, और घर की चीज़ है, घर में लेंगे और घर में रहेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए हम अपने इस गांव के लोगों के लिए, 49 के आवाम के लोगों के लिए मेरा एक पहला कदम था इस ओर। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक स्तर पर किया गया सकारात्मक प्रयास, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि विकास भी हुआ, महिलाओं की सुरक्षा भी हुई, और जो किसान है उसको भी लाभ मिला। जी बिल्कुल। क्या जी, हमारे बगल में आसपास जो है ना बहुत भारी तादाद में मैंने सब्जी का खेती होता है, और उसको आहत पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, आहत जिसको बोलते हैं। यहाँ मैंने प्रमुख खेती मैंने यहाँ मैंने सब्जी है, गोभी, बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब प्रमुख खेती है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख खेती है, तो इस मैंने वो बेचने के लिए यदि उतना जुड़ जा रहे हैं, प्लस उनको तेल खर्च होता है, पेट्रोल खर्च लगता है, और उचित नहीं मिल पाता है भाव, तो उन किसानों के लिए भी हमने सोचा कि नहीं उनका सामान क्यों नहीं यहीं खरीद लिया जाए, जो पेट्रोल का खर्च बचेगा, आने जाने का खर्च बचेगा, रास्ता में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए उस चीज़ से सावधानी होगी, मैंने कई प्रकार के सुरक्षा को देखते हुए यह कदम हम लोग उठाए, हमारी कमेटी ने उठाई है। इस चीज़ से अब कहिएगा, हटिया तो सब जगह लगता है, कौन बड़का तीर मार दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोच दिखती है इस चीज़ में, कि इस चीज़ को सोचे कि महिलाओं को किस तरह से पैदल नहीं चलना पड़े 4 किलोमीटर दूर, ठंडा का मौसम है, बुजुर्ग लोग जाते हैं झोरा लेकर के, रात हो जाता है और सुरक्षा रहता है, बच्चा लोग बगल में, देखिए कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका भी डर बना रहता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए उसका भी डर बना रहता है, बहुत प्रकार की समस्या थी ना। कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि हटिए ना लगा है सब जगह, नहीं वहाँ पे देखा जाए, कई मायनों पे मैंने सोचा समझा, तब जा करके हमारी कमेटी निर्णय लिया और हमने लिया और एक छोटा सा मार्केट लगाने का काम किया कि हमारे समाज को लाभ पहुँचे। बात यह है कि इनकी सोच देखी जाए इस चीज़ से, कि प्रतिनिधि जीतने के बाद कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। 3 तारीख को हम शपथ ग्रहण लिए, 3 तारीख को, अगले क्या तारीख है, 7 तारीख है, 4 दिन के बाद एक अच्छा विकास की ओर कदम बढ़ाए, जो मेरा इरादा था वो कर दिए, और इसी प्रकार हम करते रहे। पहला दिन है लेकिन भीड़ इतना है, लगता है जमा जमाया है। वो प्यार मोहब्बत है लोगों का, और लोगों इस उम्मीद से आए हैं कि नहीं हमारे गांव में बाजार लगा है, हम उनका सामान खरीदेंगे, जब तक खरीदेंगे नहीं तो उनका बिकेगा कैसे, अब बिकेगा नहीं तो फिर हमारे यहाँ व्यापार लोग आएंगे कैसे। इस चीज़ को देखते हमारे पूरे एकदम यहाँ पे 8-10 गाँव है, मैंने समझिए कि ये मुख्य सेंटर है, बिंदु है, मुख्य बिंदु है। इधर जाइए, गिजरी है, बैदा है, गोरियारी है, गिरधरपुर, शंकरपुर, सीही, पिरौना, 72 एवं प्रकार से चारों तरफ गांव ही गांव है। सभी गांव से लोग आकर अपना सामान ले रहे हैं, बस हाँ बेच सकते हैं, खरीदने के लिए लोग आते हैं, मैंने ये समझे ना कि आधा किलोमीटर भी नहीं है, साथ मैंने चारों गांव का डिस्टेंस हमारे गाँव से हाफ किलोमीटर पे है। निश्चित रूप से इससे एक गाँव को फायदा नहीं होगा, बहुत सारे गाँव का सेंटर है ये जगह पे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो क्षेत्र है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, और हटिया जो है ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है, यहाँ लोग अपना सामान बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं, अपने ही लोगों का सामान खरीदते हैं, अपना ही लोग उपजाए और अपने लोगों में ही बेच दिए, दूसरा कहीं बाजार से या ट्रेन से लद करके नहीं आया किसी। देखिए यहाँ से अगर जो किसी किसान को फसल उगाने के बाद, सब्जी उगाने के बाद बाजार जाना पड़ता है, और रास्ते में कहीं अप्रिय घटना हो जाए, अरे हाईवे है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, दूसरा ट्रांसपोर्ट का चार्ज बचा, रेट कम मिलती थी वहाँ, यहाँ उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ जनता को लाभ भी मिल रही है, एवं प्रकार से किसानों को भी सुविधा हुआ, फायदा हुआ, और यहाँ के ग्रामीणों का भी फायदा हुआ। दूसरा देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जी उब्जी के अलावा बहुत सारा आइटम, कपड़ा भी है, खिलौना भी है, जूता भी है, जी, बीज भी है, हाँ वो भी, खाद भी मिलेगा किसान को, और बीज भी मिलेगा इस बाजार में, छोटा सा बाजार ही सही, अभी तो नींव ही रखे हैं, ये फलेगा बरगद के पेड़ की तरह, और कुछ दिन बाद फिर कहिएगा रणवीर भाई देखिए वाकई विस्तार हो गया। हाँ, निश्चित रूप से ये जो हाट की शुरुआत की गई है, यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा चीज़ बनता है, ये नींव डाले हैं विकास की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती करते हैं, और सोचिए गांव में कोई खेती करे या खरीदने के लिए जाए बाजार, गाँवें का लोग आके गांव में बेचेगा तो गाँवें का लोग खरीदेगा, फायदा है सबका, यही सोच इनके दिमाग में आया इस चीज़ को किए,
और निश्चित रूप से हाटिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में, हर एक गांव में हाट लगता है, दो तीन गांव, चार गांव पे। और हटिया का क्या महत्व है, हर एक गांव में लगता है और गांव के सभी लोग हटिया से कनेक्टेड होते हैं। गांव में जो भी जन्म लिया है निश्चित रूप से वो हाट गया होगा एक ना एक बार जरूर। जी जी जी, हम लोग जाते थे ना रिश्तेदारी में, उधर बेगूसराय जिला में पड़ता भगवानपुर, मैंने समझे कि रेलवे के पश्चिम, तो शाम का टाइम होता था तो रिश्तेदार कहते थे चलो हाट, तो हम लोग सोचते हाट क्या होता है भाई। बचपन में जब जाते थे तो बहुत आनंद भी आता था, पकौड़ा भी मिलता था, कचरी भी खाते थे, सब चीज़ वहाँ जा कर के हाट का आनंद भी लेते थे, घूमते थे भी। लेकिन बड़े दिन से हमारे मन में भी था कि हमारे गांव में भी हाट हो। आज सफल, आज सफल, पूरा खुश है, पूरा खुश है, बहुत खुश है। एक चीज़, हाँ, दुकानदार का भी वीडियो और ले लीजिएगा हम सब फल उल का। एक चीज़ है, देखिए युवा है, इनर्जेटिक है, इनके दिमाग में तरह तरह का प्लान है अपने क्षेत्र को लेकर के, हसनपुर प्रखंड को लेकर के, कि हमको ये चीज़ करना है और उसी के दिशा में काम कर दिया। आगे क्या सब करना है आपको? आगे बहुत कुछ करेंगे। हमारे इस अहिलवार में, मौजे में लगभग 1000 एकड़ भूमि ऐसा है जहां बारिश की पानी के वजह से खेती नहीं कर पाया है किसान, त्राहिमाम हो चुका है। अरे रोटी पर नमक नहीं मिल रहा है, पूरे पानी भरा हुआ है, फसल नष्ट हो गया, धान बहा गया। तो उस चीज़ को देखते हुए किसान के हितों के लिए मैं नहर निर्माण कार्य करूंगा और इसी 2022 में उनको करके दिखाऊंगा, पानी सब निकाल के दिखाऊंगा। बगल में बागमती नदी है, उसमें पानी जाएगी, किसान खुशहाली जिंदगी, फसल उगाएगी, खुशहाली जिंदगी बिताएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा कार्य योजना है, धीरे धीरे ही करेंगे और निश्चित रूप से हर एक चीज़ हम आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि 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 युवा है और कुछ करने का जुनून है इनके अंदर में। अभी नेता नहीं है, अभी बेटा है। बिल्कुल, समाज का बेटा है, समाज बेटे समझ कर, जब तक आप बेटा रहिएगा काम होगा, एकदम होगा। जिस दिन नेता बन जाएगा, आज तक हमको अपने आप में ये नहीं पता चला कि मैं एक जिला पार्षद हूँ, जैसे पहले था वैसे ही आज भी महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हटिया की शुरुआत हुई है, इसी तरह से इस क्षेत्र में बहुत सारा काम हो और विकास की गंगा बहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। चलिए, आपको मीडिया बंधुओं को भी शुक्रिया कि हमारे कामों को, हमारे कार्य अच्छा को उजागर करने का काम किए। मौका कहाँ मिल पाता है इतने गांव में आने का। जी जी जी, बिल्कुल, हम बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे इस गांव में। आइए कभी, देखिए हमारे गांव के हालात को देखिए, कभी खेत खलिहान घुमाएंगे, निश्चित मौका मिलेगा। काम कीजिए, हम आपका। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस क्षेत्र में बदलाव का जरूरत है, बहुत पिछड़ा, और आप हमको साथ देंगे भी, निश्चित देंगे, हम दिखाएंगे काम, आप एकदम करेंगे काम, हम दिखाएंगे, करेंगे काम, काम करेंगे। नेता बन जाएगा तब आना छोड़, ना ना, हम नेता नहीं बनेंगे, आपका भाई ये बनकर रहेंगे, नेता नहीं बनेंगे, जनता का भाई बनकर रहेंगे, आपका भी भाई बनकर रहेंगे और जनता के बेटा बनकर रहेंगे, युवाओं का भाई बनकर रहेंगे, बस यही हमारा लक्ष्य है। कभी आजीवन कभी ये मन में मैं रत्ती भर एहसास नहीं होगा कि एक नेता है ये, क्या समझे, बस बहुत। और यहाँ पे युवा है, ई भी कमेटी के सदस्य, हटिया लगा है, ई भी मैनेजमेंट में है, क्या उद्देश्य था और कैसा लग रहा है आज? सबसे पहले माँ भगवती हाट बगरहा, जिसके अध्यक्ष कमल कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष लालू कुमार जी, सचिव रुपेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष दयाकांत पासवान जी और हमारे इस हाट के मुख्य आयोजक रणवीर भाई जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही क्षेत्र संख्या 49 के तमाम आम आवाम जनताओं को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से हमने इस सुदूर देहात में, एक इस अति पिछड़े क्षेत्र में हाट लगाने का जो कार्य आज सफल किया है, आज वास्तव में मुझे आनंद मिल रही है कि मैंने अपने माँ बहनों, भाइयों, अभिभावकों को दैनिक की तमाम जो आवश्यक चीज़ें हैं, सामग्री है, उसको एकत्रित कर एक जगह खरीदने का मौका अवसर प्रदान हुआ है। साथ ही इससे हमें 5 प्रमुख फायदे हैं। पहले यातायात पर जो हमें खर्च होती थी वो खर्च का वहन कम होगा, जिसके कारण से सामान जो होगी कम कीमत पर मिल पाएगी। दूसरी बातें, हमारी जो यहाँ की तमाम सामग्री होगी, लोगों को यातायात की सुविधाएं बचेगी और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि विकास की गंगा बहाना। हमारे जैसे भाई ने बताया था कि हम विकास काम करेंगे, विकास ही मेरा मूल उद्देश्य होगा। ये 3 तारीख के बाद शपथ ग्रहण हुई थी और आज 7 तारीख की, ये मेरी पहली काम थी, फिर आगे इस तरह विकास करते रहेंगे। निश्चित निश्चित, यही उम्मीद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे अगर इनर्जेटिक पत्रकार मुझे मिलते रहे, आप ही ने मेरे दरवाजे पर बताए थे कि आप एक चींटी की तरह भी काम करेंगे, तो हम जोर शोर से दिखाने का, उसी दिन मुझे मन में लगन हुआ कि हम अपने पिछड़े हुए देहात क्षेत्र में हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि फिर हमारे रोसरा जंक्शन के जो पत्रकार हैं वो आने के लिए मजबूर हो जाए। और आज हमने आपको इस सुदूर क्षेत्र में जो
विकास करने का काम किया, वही विकास के मुद्दे पर यहाँ आने के लिए आज आपको मजबूर किया। और आपने मुझे एक छोटी सी विकास का जो चींटी कहे थे, आज हमने चींटी का शुरुआत किया और इससे भी बड़ा हम करते जाएंगे। जो हौसला हमने आपको दिया उस हौसला पर हमने खड़ा उतरने का प्रयास किया। बस यही उम्मीद करते हैं, काम करते रहिए, बहुत उम्मीद है। क्षेत्र है और निश्चित रूप से एक जो है सो टैलेंटेड आदमी है। देखिए इनका नाम ही है लालू यादव जी। लालू यादव जी से प्रभावित रहते हैं जी सर? जी सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले तो बहुत देखे लेकिन आपके जैसा पहली बार देखे हैं। जो एक युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आपने जो साथ दिए हैं, जो कदम उठाए हैं, इनके लिए मैं आपका सहृदय धन्यवाद देता हूँ। मैं लालू कुमार इस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और जिला परिषद रणवीर का बड़ा भाई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप प्यार बनाए हैं इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रहिए। और ये तो छोटा नमूना है आपने जो देखे हैं, इससे बड़ा बड़ा नमूना में आप ही शामिल होंगे और आप ही दिखाएंगे जनता को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो छोटा सा काम हम लोगों ने उठाए हैं इससे हमारे गाँव का जनता काफ़ी खुश है, ये बात आप भी जानते हैं और देख भी रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग हमें हौसला देंगे और हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत देखते हुए हमारे साथियों ने हमें सुझाव दिया और मैंने उस पर स्टैंड लेने का काम किया कि ये काम होना चाहिए हमारे गांव में और हाथ लगवाने का काम शुरू किया। और हमारे बीच जितने हमारे अभिभावक हैं उनसे मेरा तो हाथ जोड़ के विनती होगा कि इस कमेटी का अध्यक्ष चाहे जो भी हो, इस कमेटी का सदस्य जो हो, इस कमेटी का कोषाध्यक्ष जो हो, इस बात पर तर्क वितर्क नहीं करना है। आपको यह देखना है कि आपका समाज का विकास का हुआ है कि नहीं। आपको यह सोचना है, समझना है कि रणवीर कुमार जो कर रहा है आपकी समाज की उन्नति के लिए कर रहा है कि नहीं। यदि मैं आपके समाज की उन्नति के लिए खड़ा नहीं रहूंगा तो आप आकर मुझे कहिए कि रणवीर तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मैं वचन देता हूँ आपके अभिभावकों को कि आपका बेटा आपसे जुड़ा नहीं होगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनूंगा कि मैं आपके इरादों पे खरा उतरने का काम करूंगा। हमारे इस पंचायत में हजारों एकड़ भूमि, आज पहला कदम तो ये करके दिखाया और दूसरा मैं संकल्प जो लिया था मैं आपके बीच में घोषणा करने जा रहा हूँ कि हमारे अहलवार पंचायत के हजारों एकड़ भूमि बारिश के पानी से भरा हुआ है और बर्बाद हो चुका है। मैं नहर बनाने का काम करूंगा और हजारों एकड़ भूमि को सूखा और फसल लगाने का बंदोबस्त खड़ा करने का काम करूंगा। साथियों मेरा पहला कदम यह रहेगा, जो बहा में नहर निर्माण बनाया गया था वो ध्वस्त हो चुका है और सबसे पहले मैं उस नहर निर्माण का जो सुंदरीकरण करने का काम करूंगा। मेरा दूसरा फैसला 72 ग्राम के लिए है, जो मैं बार बार लोक नाम में जाता था और उन्होंने कहता था कि रणवीर मैं इस चीज से जूझ रहा हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। मैं आपको 72 के ग्राम में उपस्थित है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको वादा करता हूँ आपका नाला का भी काम इसी 2022 में करके दिखाऊंगा आगे भी। और हमारे जो भी शिक्षित लोग हैं, जो ऐसे हमारे समाज में आंतरिक पैदान पर रहने वाले लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने से असमर्थ हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 100-200 रुपया या 500 रुपया फीस प्रीफर नहीं कर पाते हैं, तो ये नहीं पाते हैं, उन परिवारों के लिए भी मैं वादा करता हूँ कि हमारे हर जिला जी मित्र विकास से हमारे बीच उपस्थित है, आपके पानी का निकासी के लिए बंदोबस्त करने का काम करूंगा। मुझे ये निगाह है, वहां भी नजरें हैं मेरी। मेरे देश में ठंड बहुत कम है लेकिन मैं एक ऐसा समस्तीपुर में एक पूरे जिला में एक ऐसा जिला पार्षद हूँ कि कईयों जिला पार्षद के अधिकार में आधिकारिक क्षेत्र में दिया जाएगा। ये चेयरमैन का चैलेंज था, उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि रणवीर जी आपके उच्चास के आह्वान के लिए जितना आपको जरूरत है विकास के लिए मैं अपने जिला से आपको फंड देने का काम करूंगा। आप ये उम्मीद छोड़ दे कि रणवीर नायक जिला परिषद है, इनके कोषा में कम पैसा आएगा विकास नहीं आएगा। नहीं, हम विकास करेंगे और वहां हमें देने के लिए तैयार है जिला चेयरमैन। और मैं यहाँ पे